डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र का चतुर्दश द्विवार्षिक क्षेत्रीय अधिवेशन प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र धर द्विवेदी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि डिप्लोमा इंजीनियर संघ का क्षेत्रीय अधिवेशन है, जिसमें चारों जनपदों के डिप्लोमा इंजीनियर ने भाग लिया है। उन्होंने बताया कि यह अधिवेशन हर 2 साल में जनपद स्तर पर होता है, जिसमें विभाग की गतिविधियां और इंजीनियर की क्या भागीदारी है उस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियर की समस्याओं पर भी बात की जाती है कि कैसे उनके समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस अवसर पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के महासचिव इंजीनियर जीएन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर श्रवण कुमार यादव, महामंत्री इंजीनियर प्रकाश चंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नरेंद्र धर द्विवेदी ने कहा, तमाम हमारे वरिष्ठ साथी दिखाई दे रहे हैं जो संघर्ष कार्यक्रमों में साथ दिखाई देते थे। पदाधिकारियों की और सदस्यों की पहचान संघर्ष के दिनों में होती है। तमाम साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, साथियों पांडे जी से सीखने की जरूरत है। पांडे जी ने इस संगठन का पदाधिकारी हो, मैंने एक बार कहा है कि जब संघर्ष के कार्यक्रम होते हैं तो पदाधिकारियों की पहचान होती है। जहाँ आपका विरोधी कर सकते हैं, चाहे जो भी कहें, डिग्री होल्डर्स बड़े बड़े पैसा एकत्र करके बड़े बड़े वकीलों को रखते हैं, उसके समक्ष आपके छोटे ही वकील बहुत कारगर साबित होते हैं। क्योंकि प्रांत लेवल पर जो आपके बैठे पर अधिकारी हैं वो दिन भर अध्ययन करते रहते हैं, एक एक चीजों को निकाल करके आपके उन वकीलों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि मेरा हक कैसे बनता है और मैं डिप्लोमा होने के बाद केवल इस पद के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए केवल डिप्लोमा होल्डर ही क्यों आहार होगा। मित्रों, आपको इस अधिवेशन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम एनडी द्विवेदी, मैं प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से। डिप्लोमा इंजीनियर संघ पीडब्ल्यूडी का क्षेत्रीय अधिवेशन है और इस अधिवेशन में गोरखपुर क्षेत्र के चारों जनपदों के सभी सदस्य भागीदारी करेंगे। इसमें हमारे सभी जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत सहायक अभियंता यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी क्रम में हम लोग लखनऊ से पधारे हुए हैं अधिवेशन में सहभागिता करने के लिए। जी, क्या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य ये है कि ये हर 2 साल पे हमारा अधिवेशन होता है, क्षेत्र स्तर पे, जनपद स्तर पे, प्रांत स्तर पे। उसी क्रम में 2 वर्ष पे हमारा अधिवेशन हो रहा है। आज के दिन हम पूरे विभाग में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, हमारी क्या भागीदारी है, उस पे विस्तृत विचार विमर्श करते हैं। सांगठनिक गतिविधियों पे विचार विमर्श करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं और समीक्षा के उपरांत जो नई बातें निकल करके आती हैं उसे हम प्रांत तक पहुँचाते हैं और उसी क्रम में जो भी स्थिति हमारे प्रांत की होती है वो हम इन सदस्यों के बीच में बताते हैं और उसके पश्चात हम एक नई कार्यकारिणी का चयन भी करते हैं।